दंगा साला का बुलाया है मार पड़ेगी भील पीने के लिए भी मार पड़ेगी लेकिन मैंने तो चुपके से पीढ़ी पीते संडास में इनको कैसे पता चल गया नाम अबे नाम क्या तेरा कालू बिरजू आपका नाम बिरजू कालू और उसके बाप का नाम भी कालू बिरजू ही होगा सरकार अभी जान दर कालू जानते हो क्यों बुलाया है तुम्हें जी हाँ सरकार गलती हो गई माफ कर दीजिए आप तो जानते ही हैं सवेरे सवेरे बीड़ी की कितनी जरूरत पड़ती और तीन रोज से बड़ी तकलीफ थी हुजूर बीड़ी पी थी तुमने उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए माफ पड़ेगी हुजूर नहीं इससे भी कड़ी सजा मिलेगी कालू बिरजू तुम्हारी ईमानदारी मेहनत और अच्छे चाल चलन के अवज में तुम्हारी सजा के बाकी के 2 महीने माफ किए जाते हैं राम कसम रिहा यानी कि आजाद अच्छा सरकार है सुनो आइंदा फिर कभी टैक्सी तेज चला कर एक्सीडेंट तो नहीं करोगे नहीं नहीं सरकार और मैं तुम्हें यहाँ दोबारा तो नहीं करता बिल्कुल नहीं सरकार अच्छा सरकार कालू भाई छुट्टी हो गई उस्ताद छुट्टी 2 महीने माफ हो गए बैठो जा रहे हो कालू गले तो मिलते जाओ हाँ चाचा क्यों नहीं जाओ कालू खुश रहो साकली स्ट्रीट होटल में मेरा फोटो देखना वहां कैप्टन मिलेगा उससे कहना काले बादल में बिजली बड़ी तस्वीर साफ कर ले कालू जाओ कपड़े ले लो जो ये काय को खाली पीले हॉर्न बजाता है हमारा बैटरी डाउन हो जाएगा ना टैक्सी की चाबी लाओ चाबी काय को टैक्सी चलाएगा एक्सीडेंट किया हमारा नया गाड़ी तोड़ दिया बीमा कंपनी से अभी तक पैसे का लफड़ा चलता है और तुम समझते हो हम तेरे को गाड़ी दे देंगे अरे वादी करा तो तुम टैक्सी नहीं दोगे अरे तुम कैसा देगा हमारा भेजा फेला तुम जेल गेला आदमी का भरोसा क्या कल उठ के हमारा गाड़ी लेके तुम भाग जाएगा तो नुकसानी का पैसा कौन भरेगा तारो बाप कमीने कहीं के बस अपने ही पैसों की फिक्र है हजारों रुपए कमा के दिए हैं तुझे अगर वकील किया होता मेरे लिए तो बड़े घर जाने की नौबत ना आती सीधे चाबी निकाल देख हम चाबी तो निकालेंगे नहीं तेरे को कमीज फाने का फाड़ो हम नया कमीज लिखाएंगे तेरे को हड्डी तोड़ने का तोड़ो हम आमबाली लगाएंगे पीछे ठीक हो जाएगा पर तुम हमारा खून करेगा तो बचेगा नहीं तेरे को फांसी हो जाएगा बोलता तेरे को फांसी हो जाएगा बचेगा नहीं तो अम्मा ये क्या बलवा है छोटे से बलवा है हलवा है तुम जाओ नहीं अपने काम करो नहीं दिल्ली पीली बम मारवाने आवे तो
अबे वो ड्राइवर के बच्चे, तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? मिस्टेक हो गई, घर जाके साबुन से हाथ धो लूंगा। घर जाने की नौबत ही नहीं आएगी, बुलाऊं पुलिस को? जरा सोचना पड़ेगा। क्या ख्याल है, बुला लें? जरा सोचना पड़ेगा, मैं पूछती हूँ नीचे देखकर क्यों नहीं चलता। अजी मर्द के बच्चे हैं, सर उठा के चलने की आदत है। अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को। पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो मैं बुला दूं। कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर।
जी तू कहाँ रवि? हाँ जी आज ही छुटा हूँ जेल से। जेलर अपना यार था, 2 महीने माफ करा ली उससे। चुन्नो का तेरे जीजा बाजार ले गए हैं उसे। आते ही होंगे, बहुत खुश होंगे तुझे देखकर। क्यों बातें बनाती हो जीजी? अगर मुझसे इतना ही मोह था तो मिलने ना आते जेल में? नहीं रे, काम का बोझ था इसीलिए ना आ सके, पर याद तुझे बहुत करते थे। अच्छा, झांसा देने तू भी उस्ताद है जी। सबेर से भूखा होगा, चला कुछ खा ले। कितना दुबला हो गया है तू, वहां बड़ी तकलीफ में था। अरे जीजी की बात है, समझ ले दो वार्डर सेवा में लगे रहते थे। अच्छा, 24 घंटे निगाह रखते थे मुझ पर। चल झूठा कहीं का, अगर इतनी ही सेवा करते तेरी तो ये हालत बना कर ना लौटता। सच कहता हूँ जीजी, जेलर तो जान छिड़कता था मुझ पे। अच्छा? लौटते वक्त कहने लगा, कालू भैया तेरे बगैर तो जेल सूना हो जाएगा। इतने इतने मोटे आंसू थे उसकी आंखों में। और क्या बताऊं जीजी, अपना भी दिल भराया, लेकिन मैंने कहा फिक्र न करो जेलर भाई, जल्दी लौट आऊंगा। नौज तेरे मुंह में राख। इंदु, तेरे जीजा जी आ गए, बैठ, मैं अभी आई। अजी कहाँ हो? लो मैं खोल। बात क्या है, आज की बड़ी सेवा पर तुली हो? क्या कोई नई साड़ी? समझा, बालू आया है क्या? ऐसा बोलो, वो सुन लेगा। हाँ, मामा जी आए क्या? चुन्नू, जा तू अपना काम कर, मैं पूछता हूँ उसे अंदर आने ही क्यों दिया। आज ही तो छूट कर आया है, कहाँ जाता? मेरे सिवा दुनिया में और कौन है उसका? कहीं भी जाता, पर वो यहाँ नहीं ठहर सकता, समझी? जरा ठंडे दिल से काम लो, उसे कोई काम काज मिल जाए, मैं आप ही समझा बुझा कर उसे भेज दूंगी। अभी तो सर छुपाने की भी जगह नहीं है उसे। बंद कर थोपड़ा अपना, उसने यहाँ सर छुपाया तो मुझे मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तू ये चाहती है बड़ा होकर तेरा बेटा भी चोर बदमाश निकले? बस बस, क्यों बज लो भाई, और फिर मिली के नहीं? जा। ए बादशाह, तुम है बड़ा गुरु, बसता इधर को और जा टकरा था मोटर वाली को। अरे अरे, इतना गर्म का होता है? अरे अरे, वो बोल टोपी हो लाल रुमाल इधर चल। अगर इतने ही बिगड़ते हो तो मारो गोली मोटर वाली को। आखिर बात क्या है, कोई नौकरी धंधे के चक्कर में हो गया? उस्ताद ये चक्कर है ही जैसा, अपने को दुखो अपन ने क्या नहीं किया, चना बेचा, कुल्फी बेची, जूना पुराना पेपर बेचा, और तो और सलीमा के सामने खड़े रह के गाने की चौपड़ी तक बेची, और कल देखो ना सबके सामने खड़े रह के नाच भी नाच। खैर छोड़ो पार्टनर इन बातों को, ये लो बीड़ी पियो। दिखता है रहने वहने का ठिकाना भी अरे हाँ, मैं तो क्या गा, मैं पार्टनर आओ। इलायची पहलवान से पाला पड़ा था, अपना भी दिल दरिया है। बैठा बैठा, घबराने घबराने कोई बात नहीं पार्टनर, हाँ अपना अखे मोहल्ले पर धाक है। हाँ बैठा बैठा।
वे उठ यहाँ से। कौन है वे? उस सेठ। इसे बाप की जायदाद समझ लिया है? माई बाप। चल भाग यहाँ से। क्यों नहीं पार्टनर, पार्टनर उठो, अपना रात पायली क्लास, वो दिन पायली वाला आ गया। जाता है नहीं? अच्छा पार्टनर, अपन तो कूदते। ओ सेठ, ये खटारा किसका है? दाज वाले से पूछो। या बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? क्यों? परसों एक लड़की थी उस गाड़ी में। कहाँ है वो? कौन, निक्की? अरे निक्की हो या फिक्की, चोर है बस इतना जानता हूँ। खबरदार जो उसे चोर कहा। अरे कहूं कैसे, नहीं सफा सफा कोट चुरा के भागी है। वो चोर उसका बाप चोर। मैं हूं उसका बाप। आप हैं उसके बाप? वो जरा कोट मंगवा दीजिए ना। बात ये, वो विलायत का सिला कोट है। मेम साहब, 5 रुपये 7 आने 3 पैसे थे इस कोट की जेब में। तो जेब में देख लो, मुझसे क्या पूछता है। निमोये, इधर आ। ये सब क्या है? बाबूजी, परसों गाड़ी बिगड़ने पर इसका कोट रह गया था उसमें। धक्का लगाया था ना इसने गाड़ी को। अरे वाह, फोकट में इंजन ठीक करा लिया सफा सफा, और कहती है गाड़ी को धक्का लगा था। अबे जाना, अब तेरा कोट मिल गया ना, चल दफा। लाला जी। क्या है? अबे जाता क्यों नहीं? लाला जी, कोई नौकरी वोकरी मिलेगी? काम वाम भी आता है यूं ही? अजी आने जैसे आता है। पुराने खटारे को यारों के हाथ लग जाए तो नई जवानी आ जाए उस पे। तो शाम को आ जाओ काम पे। शाम को गैराज बंद हो जाता है। बात यह है लाला जी, बंबई में जो अपना रहन बसेरा है ना, वहां सवेरे ही जमादार आ जाता झाड़ू लगाने, और अपने को सुबह सुबह धूल खाना पसंद नहीं, इसलिए। तो रहना भी यही चाहता है जी। अच्छा, यही कहीं पढ़ रहा है? थैंक यू वेरी मच काइंडली। लाला, ओ लाला जी। अरे कहां घुसे जा रहे हो काजी? आदाब सर। मिजाज अच्छे हैं। शुक्रिया। क्या देख रहे हो मियां? अमां लाला, इस लड़के को कहीं देखा है? अरे यही कहीं देखा होगा, और कहां देखना। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे।
धोखे है इस राह में बाबूजी धीरे चलना। यूं हो खोए हुए सर झुकाए जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले करना दिल को आमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना। तुम बचा लिया, नहीं तो किसी का सर फोड़ता तो आठ आने की बात लेने चार आने का सरबत बार आने का फटका हो जाता खुला मेरे को। चल संभल के बात करो, अपन ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। पत्थर मत्थर चलाने का जरूरत नहीं है, इधर सब कांच का सामान पड़ेगा है, अब तुमको अंदर घुसने कौन दिया दरबान? जरा फासले से बात करो, नहीं आखिर क्या काम क्या है तुम्हें? कैप्टन से मिलना है। कैप्टन से मिलना है तो किधर मिलिट्री के अड्डे पे जाऊंगी, इधर होटल में क्या रखे लाए? 114 का संदेशा लाए। 114 क्या संदेशा है? वो अपन कैप्टन को बताएंगे। कैप्टन बाहर गए हैं, जो कुछ कहना है मुझे बतला दो। जी नहीं, सिर्फ कैप्टन को। फिर कभी आएंगे। इतनी रात का क्यों आया है यहाँ? इसलिए कि अब दूर नहीं रहना था। क्या काम मिल गया है ना यहाँ, और अपने को काम से दूर रहना पसंद नहीं। ठीक है कुमेम साहब, यकीन नहीं आता तो अपने बाप से पूछ दे। दरवाजा बंद कर दो।
इसीलिए बाहर जाने का। अरे बाहर गए तो अंदर समझो। जाता हूँ जाता हूँ। कभी मेरे को देरी हो गया तो जमानत का बंदोबस्त करके चौकी में आ जाना। बाल बच्चे नाराज नहीं हूँ। क्या चाहिए आपको? मैकेनिक गाड़ी ठीक करानी है। तुम यहाँ? मेम साहब को गाड़ी ठीक करानी है। क्या खराबी इस गाड़ी में? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। लेकिन कुछ तो पता होगा, व्हील खराब है, एक्सेल या इंजन, क्या देखूं? सब कुछ। मैडम मैडम लाइन क्लियर है, जल्दी खसक चलो, टैक्सी आ गई है। तुम सामान निकालो। अरे सामान तो पार्सल हो जाएगा, इसको पार्सल करो नहीं पहले। इसको मैं देख लेती हूँ। तो इसको मैं देख लेता हूँ पिछू। हाँ कुछ पता चला? खूबसूरत है। कौन है? मालिक की बेटी। क्या तनख्वाह मिलती है? 60। दस? अपने लिए बहुत है। दस? अपने को क्या, जितनी चादर उतना पैर फैलाना। जो कुछ कमाया खाया पिया खुश रहे। अच्छा बिल्कुल खुश रहो। गाड़ी ठीक करा लेना फिर मंगा लूंगी। बाउती अजय चाल होई है कि नहीं? की कड़कड़ लाई हो या कोई सोचन ही दे। हूं तक सूझी नहीं। ए, ए आया मेरा हाथी। ओ काजी ले देख, 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये देख क्या पड़ाना सर पे हथौड़ा। बीएटी बेट, बेट मने बल्ला। सीएटी केट, केट मने बिल्ली। एफएटी फेट, फेट मने मोटी। GIRL गिल, गिल मने ए। ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं मैम साहब, ये इंग्लिश है। इंग्लिश इंग्लिश है, गिल गिल कहता है। तो फिर क्या कहूं? गर्ल। ओ गर्ल, थैंक यू वेरी मच काइंडली। गर्ल गर्ल माने लड़की। गर्ल गर्ल माने लड़की। गर्ल गर्ल माने लड़की। मैम साहब अंग्रेजी आती है ना तुम्हें? इस लफ्ज के मायने बता सकती हो? कौन सा लफ्ज? यही LOVE। लव लव मैंने तेरा सर। लव लव मैंने तेरा सर। लव मैंने तेरा सर। लव मैंने तेरा सर। लव मैंने मैं कहती हूँ बंद करो ये चीखना। तो मैं चुपके से कहूँ? ओह बुद्धू कहीं का। निकी बिजली नु की है? फ्यूज उड़ गया है बाबूजी।
आकर ठीक कर जाओ। ओए होए तू आप कर ले काजी। देख मैं अभी मोमबत्ती लाता हूँ। रोशनी के साथ साथ दिमाग भी रोशन हो गया। हाँ देखो ये गया तुम्हारा रुख। राजी जी रुख वहां रख। मैं कहता हूँ रुख वहां रख दे और जल्दी से वरना लाफा दूंगा। ये दमागी दांव पेट में हाथ सफाई की क्या जरूरत है? हर अंधेरे में हाथ सफाई की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मतलब यही कि ये घोड़ा यहाँ नहीं था, यहाँ था। लकड़ी का है, खुद ब खुद चल के यहाँ नहीं आ सकता। लालाजी मैं कसम खाता हूँ अगर मैंने हाथ लगाया हो घोड़े को तो मेरे हाथ जल जाए। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? लाफा दूं और जोर लाफा मारोगे? जरूर मारूंगा। मेरी बेइज्जती करोगे? और तुम इस उम्र में बेईमानी करोगे? मैं लाला जिंदगी भर तुम्हारे साथ कभी शतरंज नहीं खेलूंगा। मत खेलो मत खेलो तबाह हो जाओगे। रोमन सर पलक चला। कौन थी वो? कौन? वही मोटर वाली। वो थी एक जान पहचान वाली। बड़ी जान पहचान है। क्या करूं अपना मॉडल ही कुछ ऐसा रुबाबदार है कि जिधर जाता हूं वहां लड़कियां घेर लेती। सोचा एक्टर भाई बन जाऊं लेकिन फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं, वरना हीरो का चांस तो सफा सफा खुला हुआ। शक्ल देखी है आईने में? अजी वो तो लोगों की आंखों में ही देख लेता हूं। यूं नहीं सुन 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 जालिमा प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा कैसे प्यार कैसे प्रीत रे तू ना किसी का मीत रे झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा जा 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 बेवफा प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार।
प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, पास यूं न आइए बात कीजिए दूर से, जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमी तेरे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह, सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूं तेरे लिए डोर तू पतंग में, दूर कब तलक रहूं फूल तू है रंग मैं तो हूं तेरे लिए डोर तू पतंग में, कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल पुछा लिए। अरे सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम, जा 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 बेवफा, सुन 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 जालिमा। रह न जाए फिर वक्त ये गुजर न जाए, मेरे प्यार का ये हार टूट कर बिखर न जाए, अरे बात रह न जाए फिर वक्त ये गुजर न जाए, मेरे प्यार का ये हार टूट कर बिखर न जाए, प्यार प्यार कह के तू दिल मेरा न लूट रे, प्यार प्यार कह के तू दिल मेरा न लूट रे, कह रहा है तू जो बात हो न झूठ मूठ रे, जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमी तेरे, झूठ तेरे प्यार की कसम, सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम, जा 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 बेवफा, सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 जा, अरे सुन 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 सुन, जा 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 जा, सुन 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 सुन। इधर आओ, उड़ता नहीं इधर। अरे अपने 2 रुपये, अरे तुम्हें अपनी चिंदिया, अभी देखता क्या है, चल उठा खा जल्दी कर, पकड़ अपना कोट, वो रहा दरवाजा और सीधा निकल जा बाहर। अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहां देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो। लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता। अबे तू जाता है कि नहीं, जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हम ही तक उठने की कोशिश करता। नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता। नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की, कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझमें और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है? वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त झीला है तो आप लाल किले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटेगा। अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना, चल दफा हो यहां से।
लफंडा कहीं का सुनता ना कर रहा हूं जा बेटा। लहंगा पूरे 8 पैसे और चंपी 2 दमड़ी की नहीं करता है। अबे चिड़ियों के दाने चुग रहा है कि चंपी कर रहा है, तेरा मर्दों वाले हाथ दिखा। अरे ओ पार्टनर, ओए गोल टोपी पार्टनर, अरे तुम तो ऐसे जा रहे हो कि जैसे तूफान में, इधर तो आओ। बस 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 जा। पैसे? अरे कल को ले लेना, कहीं भागी जाते हैं, दर रोज का अड्डा है अपना। कहाँ खो रहे इतने दिन पार्टनर, कहीं काम धंधे से लग गए थे क्या? तरकीब तो भिड़ाई थी पार्टनर, फिर काम देने वाला सेठ है ना, बड़ा सख्त निकला, सीधा दरवाजा दिखा दिया भाई ने। ऐसा? अरे कोई बात नहीं पार्टनर, इस बारे में अपना ये नीली छत वाला मकान बड़ा मस्त है, इसमें कोई दरवाजा ही नहीं जो कोई दिखा सके। क्यों, कैसी गई बात? तो पते की पार्टनर, अब तो यार लोग एक टैक्सी भिड़ा के रहेंगे, क्यों क्या ख्याल है? टैक्सी? हाँ। की टैक्सी? अरे बाप पार्टनर, बड़ा अच्छा ख्याल है, बड़ा अच्छा ख्याल है। पार्टनर उसके लिए क्लियर तो होना ना। तो अपन हाजिर है, क्यों क्या ख्याल है? सोचना पड़ेगा। अरे क्या पार्टनर, तुमने तो अपना दिल ही ठंडा कर दिया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, पहले टैक्सी तो आ जाए, फिर उसके बाद क्लीनर। रही पक्की बात? पक्की। लालाजी पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ। ये गाड़ी है साहब। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? चाबी लो इस गाड़ी। क्या हुआ, क्या है जी? जल्दी चाबी निकालो, हमको तलाशी लेनी है। माइकल जान, निकी को लो चाबी लिया। सिगरेट पियो सरकार। बीबी जी, बीबी जी, वो नई गाड़ी की चाबी देना। क्यों? पुलिस तलाशी ले रहा है। पुलिस? ये गाड़ी यहाँ कब से है? इंस्पेक्टर साहब 2-4 दिन से, लेकिन ये तलाशी। मैं पूछता हूँ ये गाड़ी यहाँ कौन लाया था? जी एक मर्द। लालाजी चा, गाड़ी खोलो। जी एक मर्द और एक औरत गाड़ी लाए थे, मैं यहाँ नहीं था, मेरे मैकेनिक के वो जान पहचान वाले हैं, वो गाड़ी छोड़ गए। मैकेनिक कहाँ है? उसको मैंने निकाल दिया है इंस्पेक्टर साहब। बड़े अच्छे मौके पे निकाल दिया है। इसमें तो कुछ नहीं साहब। ए मिस्टर, आइंदा कभी इस तरह अंधों की तरह गाड़ी मत लिया करो, कभी फंस गए तो पुलिस चौकी की हवा खानी पड़ेगी। लाला सब खैरियत तो है ना? मैं तो घबरा गया था। काजी ये उस छोकरे कालू का किया कराया है सब कुछ, ना जाने किन लफंगों की गाड़ी ले ली और बेइज्जती अपनी हो गई। तुम्हारे लिए तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं कोई नहीं, शुक्र है खुदा का। वल्ला यकायक मुअम्मा हल हो गया, ये बरखुरदार कालू जो है ना सजा याफ्ता है, 4 महीने की जेल काट चुके हैं। जेल काट चुका है? जी हाँ, मैं उस रोज कह रहा था ना कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अरे मैंने उसे पचकौड़ी मल के गैराज में देखा था। जब तक कि मैं किसी काम की खुद निगरानी ना करूं, सारा काम चौपट कर देते तुम लोग। आखिर पुलिस को शक हो गया ना? मैं पूछता हूं गाड़ी रोकने की जरूरत क्या थी? वो तो पहले ही मालूम था मेरे जो पढ़ाएंगा करके, पर रुबाब ने ऑर्डर किया था गाड़ी अंदर ले आओ, अभी जवाब दो नहीं दो। अब वो गाड़ी जहां भी जाएगी पुलिस उस पर नजर रखेगी, हम अपनी गाड़ी खुद ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सब तुम लोगों की बेवकूफी का नतीजा है। तो उसमें क्या है, अपन लोग दूसरा गाड़ी खरीद सकते हैं। मेरी तो अकल मारी गई। हो सकता है। चुप रहो। अब हम जब भी कोई गाड़ी अपने नाम रजिस्टर कराएंगे तो पुलिस उसी पे नजर रखेगी। आहा, अरे आओ पहलवान आओ। अरे कमाल इंतजार करवाया भाई,
मैं मेरा लाइफ का अंदर में मेरा गर्लफ्रेंड का भी यानी कि क्या बोलता है उसको अपना माशूक का भी इतना इंतजार नहीं किया जितना तुम्हारा करना पड़ता है भाई दो दिन में। आओ बाबा कैप्टन के बाजू आओ। अरे वो दिन तो कमाल का हाथ बताया, वो बेचारे का हड्डी पसली अभी तक दर्द करता है, हल्दी पी पी के पीला पड़ गया है, बट नो फायदा इट ऑल। कौन सा पंच मारा था उस दिन बाबा? ओहो मारा बाप, कुछ है हाँ मसल। मालूम होता है जेल में आजकल असली घी वापरता है क्या? ये तुम्हारा तैयारी देख के तो अपना भी एक्साइटमेंट यानी कि जोश होता है कि दो चार महीने अपन भी सेव कर ही आवे। व्हाट इज योर आईडिया? नहीं नहीं एक बात है कि दुबला पतला देख के जो वो रुबाब करता है, अब कल ही देखो नहीं गले के ऊपर एक आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं तो वो तुम्हें वाला पंच देने वाला था लेकिन जरा घबरा गया, कहीं बहुत बहुत मोच खा जावे तो पिछू वांदा। हाँ ये बाजू से घबरा मत, आओ नहीं अंदर आओ नहीं ये बाजू। कहाँ वो? क्या काम है तुम्हें? मैं हूं कैप्टन। अपन कालू है, जेल से कैदी नंबर 114 का संदेशा लाए हैं आपके नाम। मैं किसी कैदी बैदी को नहीं जानता। तुम्हारा ख्याल है मैं जेल वालों से मेलजोल रखता हूं? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? अपन भला क्या समझेंगे, संदेशा सुनाने आए थे। नहीं सुन रहे तो ना सही, चल दिए। ठहरो, क्या संदेशा है? 114 ने कहा था वो काले बादल में बिजली, हाँ, और बड़ी तस्वीर साफ कर लेना। बड़ी तस्वीर? खड़े क्यों, बैठ जाओ। सुनो, 114 को तुम कैसे जानते हो? जेल में पड़ोसी थे और पड़ोस का भाईचारा तो निभाना ही पड़ता है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम वहां कैसे पहुंचे? अपनी टैक्सी को 40 से नीचे जाने में तकलीफ होती थी, एक दिन एक्सीडेंट कर बैठी, वो तो गई कारखाने और तुम अंदर हुआ ना। आजकल क्या करते हो तुम? अभी तो साके मस्ती है, एक आध टैक्सी भिड़ाने के चक्कर में थे। रुस्तम बोलो बाबा। देयर यू आर, तुम्हारा काम बन गया, टैक्सी मिल गई समझो। लेकिन एक शर्त है, हम जब जहां और जिस वक्त चाहेंगे तुम्हें अपनी टैक्सी लाना पड़ेगी, कहो मंजूर है? सोचता क्या है, मंजूर है ना, बोलो बाबा। मंजूर है साहब। तो तुम जा सकते हो, कल सुबह चले आना। क्यों, मिल गई टैक्सी? जी हाँ, कोई तकलीफ है आपको? बड़ी खुशी की बात। सचमुच? वाह मैडम, खोटने के लिए हम ही मिले थे। अपन दो चार पैसे कमा ले तो कुछ बिगड़ता है तुम्हारा? कमाओ, पर तुमने तो कहा था जितनी चादर उतना पैर फैलाना, अब शायद पैर ज्यादा लंबे हो गए हैं। पैर लंबे हो या छोटे, आप नापने पे क्यों तुली? यार लोग अपना भला बुरा खूब समझते हैं। कमाल है, खुला मुंह पे झूठ बोलता है भाई। बाजू में टिका हुआ था, ने बोलता अपन तो पलटन से 100 ग्राम फुट दूर रहते हैं। मेरे को तो कोई पोचेला लगता है। मेरा ख्याल है ट्राई बेकार है, नजर वापस ले लो। क्यों, व्हाट इज योर आइडिया? नहीं नहीं पट्टी हुए तो कौन से फटेगी, खड़ी बात थी नहीं ना, 100 ग्राम फुट वाली पट गई। कर भाई अपना अपना तबीयत है। वाह जानी बिलवर,
तुमने आंग क्या नहाया, फिल्म हीरोइन का हुसन भी फिक्का डाल दिया है। बस दो हाथ और फिर किसी को होना तो दरवाजे में देख के ही दिल फेंक कर ले, हैं? जो पार्टनर ठीक है ना? बिल्कुल। और चले, चल दरवाजा बंद कर। अरे ले जी, अरे ले जी। हाँ, चाहे को पूरा खुश है या नहीं अंदर। कौन वही निक्की का बाप। अबे जाता है या नहीं? तो अंदर नहीं है ना? कौन? अरे वो निक्की का बाप। मेरे बाबूजी को खुसर कहता है। ए बा, ए बा। जी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बारहवीं बम्बई घूमकर ये फर्स्ट क्लास मॉडल चुना। इंजन के तो वो ठाट है कि चौपाटी की हवा जैसे सरसर बोलता है, और अंदर की कंडीशन का बस पूछो मत। निकी ठहरा था सही। बात क्या है, पसंद नहीं आई गाड़ी? बोला तो सही, गूंगी हो गए क्या? बाबूजी ने तुम्हारे साथ बात करने को मना किया है, इसीलिए चुप थे। अरे बूढ़े तो ऐसे मामले में हमेशा टांग अड़ा करते हैं। टाल जाओ उनकी बात। कैसे टाल जाओ? काजी चाचा ने ये भी तो कहा है कि तुम जेल हो आए हो। तेरे काजी चाचा की ऐसी की तैसी, जानती हो क्यों जेल गया था? कुछ 420 की होगी। 420? तो तुझे पट गई ये बात? हाँ हाँ। ठहर तो जरा। अरे छोड़ दो मेरा हाथ, मैं शोर मचाऊंगी। मचाओ शोर, लोग जमाओ के तालियां बजाएंगे। मैं पूछती हूँ तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? अपने दिल से पूछ। अरे वाह, भाई को रुबाब मार गया। मिस्टर सक्सेना, जो कैदी जब चाहे आपसे मिलने चला आता है, आपका ये नर्म बर्ताव यहाँ का डिसिप्लिन बर्बाद कर रहा है। लेकिन साहब मेरे ख्याल से ये बर्ताव जरूरी है, हमदर्दी से पेश आने पर ही ये लोग सुधर सकते हैं। लुचे लफंगे सुधरा नहीं करते मिस्टर सक्सेना, इनकी तरफदारी न करें। अगर आपने रोकथाम न की तो मुझे मजबूर होकर आपके ट्रांसफर के लिए लिखना पड़ेगा। अरे ए, किधर जाता है? जेलर साहब। कालू सलाम साहब। आज अपन सफा सफा फैसला करने आए। कौन है मिस्टर सक्सेना जी? ये सबसे पहले ये बताइए मैं जेल क्यों आया था। जेल क्यों आया था? अरे भाई तुमने वो टैक्सी तेज चला के एक्सीडेंट किया था ना, उसी लिए। सुन लिया मिस्टर सक्सेना, मैं पूछता हूँ ये कौन है? जी ये कालू है, इसी जेल में था, बहुत अच्छा लड़का है। हुजूर मैंने कोई चोरी डाका या खून तो नहीं किया था? नहीं नहीं भाई, तुम तो भले आदमी हो, बहुत अच्छे चाल चलन के, इसीलिए तो तुम्हारी सजा के 2 महीने माफ कर दिए गए थे। सुन ले हुजूर, ये सारी बातें एक सर्टिफिकेट में लिख दीजिए ना। सर्टिफिकेट? हाँ हुजूर, इसके घर वालों को दिखाना है। ओह अच्छा अच्छा। ये कौन है? निक्की। तुम गलती कर रही हो बेटी, कालू बहुत भला लड़का है, लाखों में एक।
ये लो अपनी सर्टिफिकेट, ये ले दिखा देना अपने बाप को। अच्छा जेलर साहब सलाम। सलाम का सुपरिटेंडेंट साहब थोड़ा नासमझ है, बच्चा है ना। कालू को उसके बारे में मालूम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तुम लोग अपना अपना काम समझ गए? यस कैप्टन। तो आओ चले। Thank you.
ये है फ्लोरा फाउंटेन, ये है चर्च गेट स्ट्रीट और ये हॉर्नबी रोड। ये रास्ता गया धोबी तालाब को, ये रहा वो बैंक। समझ आया हो या नहीं? जी नंबर एक तुम यहां थे, नंबर दो तुम यहां, तीन यहां, और वो आदमी जब बाहर निकलकर यहां पहुंचा तो एक और दो को एक साथ आगे बढ़ना था। नंबर दो तुम जल्दी चल दिए। जरा सी गलती होगी क्या? जरा सी गलती बने बनाए काम को बिगाड़ सकती है। गलती तुमने भी की नंबर तीन। पर बात ऐसे हो गई ना कैप्टन कि नंबर दो की जगह नंबर तीन पहुंच गया और नंबर तीन की जगह नंबर वन पहुंच गया, तो मेरी जगह खाली रह गई, तो आई वॉज गोइंग टू एडजस्ट इट। गलती तो हो ही गई नहीं? भगो मत, अगर ऐसी गलती आखिरी रोज भी हो गई तो सबके सब हवालात में होगी। हो सकता है, पॉसिबल। पर कैप्टन ये तो खाली खाली का वो प्रैक्टिस थी। अपन लोग जिस रोज एक्चुअली माल के लिए यानी कि जाएंगे ना, वो दिन सब लोग बराबर तेजी से काम लेंगे। तेरी तो सिर्फ जबान ही तेजी जानती। शाम को फिर मिलो, इस काम में कामयाबी होनी ही चाहिए, समझे? अब जाओ। अरे आता हूँ, दरवाजा क्यों तोड़ रहा है? कहाँ आ गई तेरे? हाँ तुम तुम्हें इस घर का पता कैसे चला? इलायची ने बताया। हो घर ठाटदार है ना? बहुत अच्छे। बिना पगड़ी के मिला है? अरे खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठो बैठो, मैं भी आया। क्या हुआ? कुछ नहीं, टांग टूट गई। हैं? टांग टूट गई? अजी अपनी नहीं, कुर्सी की। ओ, इलायची की कुर्सी है। चुना पुराना माल बेचा करता था ना, याददाश्त के लिए रख छोड़ी। जी हाँ, बैठने वालों को भी याद रहेगा। अरे तुम्हें कितने बेढंगे हो तुम, तुम्हारी हर चीज गुम हो जाती है। भाई चीजें संभालने के लिए तो घर की मालकन चाहिए, और जब तक वो नहीं हम खुद ही गुम रहे हैं। तो ले आओ ना कोई। बस समझ लो घर में आ ही चुकी है। कौन है वो खुशनसीब, जरा हम भी तो देखें। आईना दीवार पे लगा हुआ। क्यों पसंद आई तुम्हें? क्यों पार्टनर, इन मेहन साहब की आंखी में क्या झांकता था? बात यह है पार्टनर, उन निक्की की आंखों में कुछ कचरा गिर गया था, निकाल रहा था, है ना निक्की? इतना सारा कचरा पड़ गया है। मुख मार दूं? अबे तू मुंह फाड़ के क्या देखता है? चाक चाय वाय का सिलसिला कर। ऑर्डर दे दिया ला पार्टनर, वो अभी लाते ही छूंगा। खाने की चीजें लिया? वो भी लाया, सेव चूड़ा। पान तो सफा सफा भूल गया होगा। कैसे भूल सकता है पार्टनर, वो तो सफा सफा लाया है। अबे जो चीज भूल गया है वो लिया। क्या भूल गया है सोचना पड़ेगा। सोच लिया पार्टनर, अब कुछ नहीं भूले लाए। अबे तू जाता है या नहीं? ऐसा बोलो ना। ए भाई पापा मापा छोड़ो, पहले इंजन देखो कंडीशन के अंदर है कि नहीं, नहीं तो किसी रास्ते में फिस फिस किया तो पीछे वांदा होएगा ना। अभी अपने को जाने का है ना भाई, देखो दो मिनट के अंदर अभी सब लोग आ जाएंगे पीछे गड़बड़। तुम्हारा चिमनी वो बाजू करो, दो मिनट बुलाता हूँ।
क्या हाल है उसके रजवाली के? अजी बस पूछो मत, समझो पांचों घी में। अपना सिलसिला कुछ जमता नजर आ रहा है। शादी कर रहे हो? बिल्कुल, बस उसके बाप ने हाँ की नहीं और चट मंगनी पट गया। और कभी उसने ना कर दी तो? हैं? कर तो सकता है, तब तो यारों का पत्ता कट गया सफा सफा। कुछ पॉलिसी लड़ानी पड़ेगी। एक रास्ता है। वो क्या? उड़ा ले जाओ उसे। उड़ा ले जाओ? भाई वाह, ये सोलानी बात की ना तुमने। मिला हाथ? हाथ नहीं मिलाओगे क्या? बाऊजी, फिर आपने काम करना शुरू कर दिया। कई बार कहा है कि खांसी बुखार में काम ना किया करो, पर आप तो बच्चों की तरह जिद्दी हैं। हाथ पैर नहीं चलाऊंगा तो मैंने बुखार हो जाएगा। बुखार हो जाएगा? बुखार तो अब भी है बाऊजी। लो काढ़ा पी। काढ़ा? मैं पूछना मैंने किया? शेर की तरह हट्टा कट्टा तू हूं। काढ़ा। बाऊजी, काम करन देनी है कि नहीं? पियो। अबे तुझे मना किया था ना यहाँ आने को? जी हाँ, किया तो था, और भला मैं आपका कहना कैसे नहीं मानता, लेकिन वो मेरी टैक्सी नहीं मानी, खेच लाई मुझे यहाँ तक। टैक्सी? मेरी टैक्सी? जी हाँ, अपनी फिलहाल एक ही खरीदी है। सोच रहा हूँ 54 का मॉडल बाजार में आने पे दो और खरीद लूंगा। जरा यारों का दबाव तो पड़े बंबई की पब्लिक पर, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि आप बकते चले यहाँ से। हाजी आना जाना तो होता ही रहेगा, लेकिन मेरी भी तो कुछ सुन लीजिए। क्या कहना चाहता है? देखिए बात जरा मुलायम सी है, इसलिए जरा अकेले में। जो कहना है यही कह। जी सिलसिला कुछ यूं है, निक्की से अपना थोड़ा सा ब्याह करने का रहा था। क्या कहा? ब्याह करना चाहता? तेरी ये जुर्म, जबान खींच लूंगा तेरी। तो आप इतना गर्म क्यों होते हैं लाला जी? उस दिन आप ही ने तो कहा था कि मेरी हैसियत भिखारियों जैसी है, तो आज अपन हैसियत बना के लौटे। खूब जानता हूँ तेरी हैसियत, जिस पर जेल की मोहर लगी हुई है। जेल, हर तरफ जेल। निक्की, इधर दिखा दो अपने बाबूजी को जेलर का सर्टिफिकेट, सुना दो उसने जो कुछ कहा था। ये क्या कहता? तू इसके साथ जेलर कहाँ गई थी? मैं पूछता हूँ तू इसके साथ जेलर कहाँ गई थी? हाँ, चल, चल, पैदा होते ही क्यों ना मर गई? तू भी सुन ले, अगर फिर कभी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखा तो दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ब्याह करेगा, ब्याह करेगा। अगर कल तू लफंगा पना करके कहीं फिर जेल चला गया तो क्या वो दर्द की भीख मांगेगी मेरी बच्ची? यहां से ऐसा ना हो कि कहीं तुझ पर भी मेरा हाथ उठ जाए। चला जा, मर के तुम चला जा। कहाँ जा रहे हो? देख लिया ना अपने बुड्ढे को? पर मैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भाग चलो मेरे साथ। है मैं कुछ नहीं। देख निक्की, हम आदमी हैं फक्कड़, जान देते हैं तुझ पे सो ठीक है, लेकिन एक बात सफा सफा कह देता हूँ, तुझे हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, बाप या मैं, इसी वक्त। मगर अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह गई तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को मारो गोली, उनका बस चले तो सदा के लिए मुझे जेल में ठूंस दे। बोलो आओगी मेरे साथ? लेकिन कालू,
मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर तय करने में तकलीफ होती है तो ये ले दो अन्नी, चितपट कर ले, ले। तो फिर क्या फैसला किया निक्की? तूने हमारी मोहब्बत को जुए का एक दाव समझ रखा है। बिल्कुल, हार या पास बोलो। मैं आऊंगी। तो फिर आज रात को 11 बजे मैं यहाँ आता हूँ। अगर तू आ गई तो ठीक है, वरना अपनी तुफनी काट, समझे? वो कोने वाला प्यादा बड़ो निकी, ओ कोने वाला प्यादा बड़। क्या हुआ बिटिया, तबीयत कुछ नासाज है? कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही। बाजी, अब आप सो जाइए। बाजी तो खत्म हो ले बेटा। देखा काजी, निक्की मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे बहुत प्यार करते हो ना बाजी। निक्की, तेरे बगैर इस दुनिया में मेरा कौन है? लाला, मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि जब ये पराए घर चली जाएगी तब तुम पर क्या गुजरेगी। लाला छोड़ो छोड़ो काजी इन बातों को, वो दिन अभी बहुत दूर है। चलनी है मेरी जगह तुमने। अच्छी है बाबूजी, दवाई लेकर। साढ़े ग्यारह, अमा लाला बाजी फंसी है हमारी तुम्हारी और जगा रहे उस बेचारी को। जा बेटी, जा तू सो जा, जा। आओ मैदान में। हो जाए हो जाए फिर। हम काजी, सुना है जुम्मन की बेटी वापस आ गई? हाँ बेचारा बाप जो ठहरा, रखना पड़ा उसे। जिसके साथ वो भागी थी वो लड़का कहाँ होगा? कहाँ छोड़ भागा उस लड़की को? आजकल के इन लौंडों का भरोसा ही क्या। इधर उस बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी, उधर बाप के मुंह पे सारी बिरादरी थू थू कर रही।
आपकी माना करूं तो चंदिया पे जितने भी हैं जाते देर नहीं लगेगी। बड़े उखड़े हुए हो, आखिर हुआ क्या? अरे पूछो क्या नहीं हुआ, तुम्हारी उड़ा ले जाने वाली तरकीब ठोस हो गई। यार लोग तो हथेली पे दिल रखे इंतजार करते रहे और सरकार सफा सफा लटका गई अपने। सफा सफा लटका गई। मेरे को तो पहले ही मालूम था दिस इज गोइंग टू हैपन, ऐसा ही होएगा करके। ए भाई, ए मेहरबान जरा बात सुनो,
कल रात को 12 बजे वो बाजू वाली बिल्डिंग से मैं भी एक छोकरी को गुल करने वाला था, हालांकि चौथा टाइम था मेरा, लेकिन फिर भी फेल। तुम्हारा कौन सा था, पहला? पहला हो या दूसरा, यारों का बस चले तो गोली से उड़ा। अरे गोली से क्या, मैं तो तोप से उड़ाने वाला था और दो वक्त ट्राईपन किया, लेकिन वाह री औरत वाह, एक नजर में एक मुस्कुराहट। जरा मैडम दोनों का सिंपल आपने, ये बिल्कुल यही चीज और इन्हीं दो चीजों को वास्ते जूते खाते खाते फजर हो गई, और ऐसे अनारी से पाला पारा था कि कमबख्त 10 मारता था नहीं एक गिनता था। कोई पढ़ा लिखा होता तो कम से कम जितने मारता भाई उतने तो गिनता है। नहीं नहीं एक बात है, हिसाब में फर्क तो नहीं पड़ता नहीं। रुस्ता कौन? देखा फिर वही दोनों चीज, एक नजर में एक मुस्कुराहट। जरा मैडम मुस्कुराहट कम की जरा माफ करो ना, व्हाट इज योर आइडिया कम है ना, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, जरा 2 मिनट में। क्या बात है, दावत है क्या? मुझे भी गोली से उड़ाओगे? क्यों नहीं, तुम औरों से अलग थोड़ी हो। अलग हूं या नहीं, ये तुमने जानने की कोशिश ही कब की? अरे एक को जो जान लिया बस इतना बहुत काफी है। कुछ सीख लो रुस्तम से, एक नजर एक मुस्कुराहट। कहाँ जाना है? ओ जिगू को चलो। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। फिल्मी डायलॉग। तुमने कुछ कहा? तुमने कुछ कहा? तुम्हारे बिना मुझे भी मरने में तकलीफ होगी डार्लिंग। मेरी कसम। हाँ डार्लिंग। क्या तुम्हारे डैडी मान जाएंगे? नहीं माने तो ना सही, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ, कॉलेज भी छोड़ सकती हूँ। सच? लेकिन तुम कॉलेज छोड़ दोगी तो हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, तुम्हारे डैडी तुम्हें घर में बंद कर देंगे। मैं खिड़की से कूद भागूंगी और तुम्हारे लिए नौकर चाकर घर बार सब छोड़ दूंगी। तुमने जरूर कुछ कहा। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। जहाँ ये मस्ती नजर मचाई
देता कुछ नहीं सुझाई, जहाँ ये मस्ती नजर में छाई देता कुछ नहीं सुझाई। टकराक नैन मिलता है चैन मूरख क्यों रोता है, टकराक नैन मिलता है चैन मूरख क्यों रोता है, मूरख क्यों रोता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो किया, एक बार हमने भी प्यार कुछ भी नहीं अपना है, किया एक बार हमने भी प्यार कुछ भी नहीं अपना है, कुछ भी नहीं अपना है। शिकायत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा इसमें क्या होता है, जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। शिकायत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो क्यों बे? क्या गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं है दादा, ये खड़ू। अरे उत्तर सही यार, सुन तो बात तो सुन यार, अपना स्वीट हार्ट के साथ में अपॉइंटमेंट है, रानी बाग घुमाने का प्रोग्राम चल रहा है, लेते नहीं भाई? लेते हैं। अरे यार पैसे होते तो दूसरा घड़ी का कमती था, कमाल करता यार। एक हलो उठने यार, मस्करी मत कर, चल भाई चल यार, कमाल देख तेरा मेरा काम एक ही बात है, चल चल। ए स्विच दिया, दबा एक्सेल का दबा भाई दबा। जरा हॉर्न दे जा। कमिंग मिस्टर। देखा क्या रुबाब है छोकरी पे, और बजाते ही खिड़की से बाहर, मैं दरवाजा खोलते ही गाड़ी के अंदर आएगा। कम इन मैडम। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हेलो हेलो करता है, कमाल है तुम्हारा पन। क्या ये लोग सब चलने वाला है? क्या सुस्ता? ओह, दावत तो तुम्हारे अकेले को दिया था ना, ये पूरा पलटन को किधर लेता है? उतारो ये लोग को नीचे, संभालेंगे कौन?
मम्मी संभालेगा इन लोग को। मम्मी मम्मी का नाम है क्या? अब मम्मी आ गया। आ गया ओ, 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 ओ। हेलो दोस्तों। हेलो। ड्राइवर जाने दो। अरे जाने किधर दो, मैं तो अभी नीचे गिर गया। तुम भी आ जाओ ना दोस्तों। हवा सवारी पूरी हो गई दोस्तों, तू बस से आ जाओ। तुम एयरवुड बस से बैठेंगे ना, सीधा तुमको विक्टोरिया गार्डन के फाटक से उतारेंगे। वो तो मेरे को मालूम है मम्मी, अभी तुम जाओगी। तुम आएगा बस से? आएगा आएगा। अरे कौन कालू, क्यों सब ठीक है ना? पत्थर ठीक है तो हाला के पिसाया मुझे। क्यों क्या हो गया? साहब दे दे भाई दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, अपने पास तो अभी खर्च किए तेरे को तो मालूम है। ए छोकरी किधर है? तू मिल चुका, मैं अभी आया। वो अंकल देखना, वो रुस्तम अंकल, उसके पास जाना। I am very sorry रुस्तम, तुमको अकेला आना पड़ा। सॉरी ना, अरे इट्स ऑल राइट। कालो देखो, एक ही मुस्कुराहट में सारा गुस्सा ठंडा हो गया। मम्मी किधर है? मम्मी? हाँ मम्मी बंदर को देखने गया। ओह चांद से, एक जरा दो मिनट चलो ना, बात कर कर आएंगे आपको। चांद अंकल किसको बोलता है? अंकल बोलने का तो ए इसको बोलो अंकल। कमाल है तुम्हारा भाई लोग भी। अरे तुम्हारा भी कमाल है कालू, तुम अभी तक बच्चे लोग पास्ती पर इसने बिठाया। तो फिर घुमाई लाओ, जाओ 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 बंदर देख करो। चलो मम्मी को उधर, ये लोग इधर, तो अपन इधर इधर। अरे रुस्तम तुम बहुत जल्दी आ गया। मम्मी जल्दी किधर, हम तो बहुत देरी से आए, जल्दी तो तुम्हें मिल गया। जरा बच्चा लोग को हाथी पे तो बैठाओ। बच्चा लोग को कहे तुम बैठो ना मम्मी, ये लोग पैसा लो। थैंक यू। हम उठ पे बैठता है कालू, तुम जरा ये लोग हाथी पे बिठाओ। इतना अच्छा सन है मिस्टर कालू, प्लीज मेरा बेबी को छोड़ा लो, हम थोड़ा हाथी पे बैठ के आता। जाओ बाबा ले बाबा। थैंक यू। अरे चलो रोस्ता। यस। तुम हमको किधर लेके जाता है? आइसक्रीम का दुकान है। ठीक है उधर खाली आई से क्रीम, इधर है। इधर है चिल्ली किया। अच्छा बैठो बैठो। कमाल है तुम्हारा भाई लोग का भी, कालू के साथ हमारे को भी अंकल बोलता है। तो क्या हो गया अंकल, कोई गाली थोड़ा है? तुम समझता काहे को नहीं है, अंकल तो बाप का भाई होता ही नहीं। हमको मालूम है। मारा बाप अब भी नहीं समझा। अंकल मम्मी बुलाता है। अभी समझ गया? क्या समझा, भाई को गल देता है बोलता अभी समझ गया। ओ, ओ तुम गरम काहे को होता है, हम तो होने वाली बात बताता है। ए देखो अभी हमारा तो मेरी मुलाकात धीरे धीरे जास्ती होगी, पीछे तुम्हारा हमारा लव होएगा, मैं शादी होगी और शादी के बाद तुम्हारा भाई लोग क्या बोलेगा हमारे? क्या बोलेगा? ए देखो इधर कान सुनाता हूँ। अरे नन 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से दोबारे बलम में तोबा तोबा। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता
तोबा काय को करता प्यार से डरता ऐसा जैसा नंबर कैसा होगा। दर्द जिगर से मैं भी कहूँ बहुत करो ऐसा न जुलम अरे हो जाएगा फेल अभी हारत हमारा तेरे सर की कसम। दर्द जिगर से मैं भी कहूँ बहुत करो ऐसा न जुलम अरे हो जाएगा फेल अभी हारत हमारा तेरे सर की कसम। छिछी 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 करो ना ऐसी बात देखो 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 छोड़ो जी मेरा हाथ। छिछी 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 करो ना ऐसी बात देखो 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 छोड़ो जी मेरा हाथ। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा तोबा काय को करता तोबा काय को करता प्यार से डरता ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन 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 तोबा तो मैं ना प्यार करूंगी मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से तोबा रे बलम में तोबा तोबा। तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़ अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़ ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़ अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़ ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। बीच का तू अंकल बंदर का तू बाप वो नहीं बंडल रहो जी चुपचाप मारा बाप। बीच का तू अंकल बंदर का तू बाप अरे वो नहीं बंडल रहो जी चुपचाप। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा तोबा काय को करता तोबा काय को करता प्यार से डरता ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन 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 तोबा तोबा मैं ना प्यार करूंगी मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से तोबा रे बलम तोबा तोबा। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल कहता तो होगा मन करूं तो पत्तियां किसी से हिल मिल। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल कहता तो होगा मन करूं तो पत्तियां किसी से हिल मिल। हूँ मैं कोई रोगी अजब तेरी बात सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। एमके मैं कोई रोगी अजब तेरी बात सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा तोबा काय को करता तोबा काय को करता प्यार से डरता ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन 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 तोबा तोबा मैं ना प्यार करूंगी मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से तोबा रे बलम तोबा तोबा। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा अरे नन 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 तोबा तोबा अरे वाह 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 अरे नन 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 ना अरे वाह 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 वाह। निल साहब चूरे ले जी तू यहाँ कैसे। मैम साहब तुमको हमारे साथ कालू साहब के पास चलना होगा नहीं तो वो सीधी लाइन पर आने वाला नहीं। क्यों क्या बात है। अरे क्या बोलूं मैम साहब उनका उम्र ही ऐसा है अगर कालू साहब बिगड़ गया तो अपना तो पार्टिया गुल और वो जो दूसरी है ना दूसरी। हाँ मैम साहब उसके चक्कर में अक्खा खराब घर नहीं लौटता। अगर कोई उनको दूसरी पसंद है तो मैं क्या कर सकती। बेलाई जी क्या बोल गया। मैम साहब उनका पसंद कोई और नहीं है। मैम साहब हम तो अभी छोटा है ना मैम साहब तो ये बात जास्ती तो नहीं जानता पर इतना जरूर बोलेगा वो तुमको बहुत मोहब्बत करता है बहुत। मैम साहब तुमको होना तो तुम उनको ठीक कर सकता है। मैं भला उनकी कौन लगती हूँ तुम्हें जाकर ठीक कर। हम क्या था ना मैम साहब
वो हमको दो लाफा मार दिया, हमको मार दिया, चलेगा। हम तो उनका मोटर साफ करने वाले, पर मैम साहब वो तुमको नहीं मारेगा, वो तुमको नहीं मारेगा, वो तुमसे मोहब्बत जो करता है मैम साहब, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत। मैम साहब चलो चलो चलो, तुमको चलना ही पड़े, चलो चलो मैम साहब। अच्छा तो आप मुझे पहचानती? अभी तक नाम नहीं भूली मेरा। जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, चलो मेरे साथ। हाँ, आपके साथ चलने का हक अब अपने को कहो। मैं तो समझा था आप नाता तोड़ चुकी हैं मुझसे। ये नाते एक दिन में नहीं बनते, बिगड़ते कालू। बनने ही कब दिया तुमने? उस रात के 11 अब बज रहे तुम्हारे। उस रात मैं मजबूर थी। तो आज अपन मजबूर हैं। अपने सर पे जितनी भी उलझने सब तुम्हारे लिए मोल ली है मैंने, और उसका बदला तुमने क्या दिया? सफा सफा दगा दे गई, यही ना? अब क्या मुंह लेकर आई हो? चाहे जितना बुरा भला कहें, मुझे मार लो पीट लो सब सर आंखों पर, लेकिन मेरे साथ चलो कालू, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो कुछ बिगड़ना बाकी है? यहाँ तो अपनी सिट्टी गुल है और मेम साहब के लिए कुछ नहीं बिगड़ा। जा अपना रास्ता नापो, और जो कुछ कहना था मैंने उसी दिन कह दिया। आर या पार। घर चलो मेम साहब। अरे तुम खातिर रखो मेम साहब, वो लौटेगा, वो जरूर लौटेगा, आज नहीं रुक कर वो जरूर लौटेगा।
प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरी प्यार की कसम, जा 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 बेवफा। दिल पे हर जफा देख ली, बेअसर दुआ देख ली, कुछ किया न दिल का ख्याल, जा तेरी वफा देख ली, कुछ किया न दिल का ख्याल, जा तेरी वफा देख ली, जा 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 बेवफा। कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम, जा 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 बेवफा। खबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं, बेखबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं, जा 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 बेवफा। कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरी प्यार की कसम, जा 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 बेवफा। जाकर कुछ तलाश कर रहे थे शायद। जी हाँ, और अपनी तलाश पूरी हो गई। पर वो तो होनी ही थी किसी दिन। अब आगे क्या इरादे हैं? बात बिल्कुल साफ है, अपने को तुम्हारे धंधों से कोई लगाव नहीं। अपने भले से लगाव है या नहीं? जरूर है, और उसी भले के लिए हमारा तुम्हारा लेन देन खलास। खलास? अभी तो तुम्हें टैक्सी का हिसाब चुकाना है। आज तक अपन ने किसी का कर्जा नहीं रखा, तुम्हारा भी चुका देंगे। मैं सौकार नहीं जो पैसों के बदले पैसे लिया करूं। टैक्सी मैंने जिस मतलब के लिए खरीदी थी वो तुम पूरा करोगे। अरे छोड़ो, अब अपन नहीं फंसेंगे, समझे? खड़े रहो, एक बात
बात मत करेंगे, सस्ते नहीं छूटोगे। अब बता जो आगे बढ़े। पिस्तौल भरी हुई है, इतने सस्ते नहीं छूटोगे। बंद हो जाए। आखिर कालू को मालूम हो ही गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खाओ। खिलाओ। तुम खतरे में हो। छुड़ा सकते मुझे? एक शर्त पर। क्या? मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा। लेकर चलूंगा पर साथ तो रखूंगा कैसे? क्यों, इतनी बुरी हूं मैं? अच्छी हो, लेकिन तुमसे भी अच्छी है कोई और। उससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा कैप्टन? उसे खत्म कर दिया जाए, और ये काम तुम करोगे रुस्तम। मैं कैप्टन? हाँ तुम। मगर कैप्टन, बैंक के सिलसिले में तो जस्ती में जस्ती 7 साल, मगर ये काम के अंदर घर का मुंह देखने को मिलने वाला नहीं है। Shut up। सिर्फ एक आदमी के लिए हम इतने दिनों की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। मगर कैप्टन, ये काम मेरे से होने वाला नहीं है। कल सुबह होने से पहले कालू हमारे रास्ते से अलग होना ही चाहिए, समझे? लेकिन। लेकिन क्या? उसे रास्ते से हटाने की एक और तरकीब है। वो क्या? उसे अपने साथ मिला लो। एक बार जुर्म करने के बाद वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मिला सकती हो तुम? तुम मिला सकते हो। कालू एक लड़की से मोहब्बत करता है। समझा। अगर उस लड़की की जान खतरे में हो तो। गुड गुड। तुझे इन लोगों ने कहाँ पकड़ा रे? पार्टनर,
ये लोग ने मिक्की मैम साहब को भी पकड़ लिया है। निक्की को भी? हाँ पार्टनर, लोग उसने बतला दिया सब कुछ। झगड़ा तो हमारा तुम्हारा था, उस बिचारी को बीच में लाने का क्या मतलब है? बिना मतलब के मैं कोई काम नहीं करता। जानता हूं, तभी तुम मजबूर कर रहे हो मुझे। आखिर तुम चाहते क्या हो? बैंक लूटने में तुम्हारा साथ चाहता हूं। अगर मैंने साथ ना दिया तो? तुम साथ दोगे। बैंक लूटने के बाद हमें एक जगह पहुंचाना पड़ेगा, यहां से 30 मील दूर। 12:30 बजे तक पहुंचा दिया तो ठीक है, वरना। वरना निक्की खत्म कर दी जाएगी। तुम्हारा काम होने पर निक्की कहां मिलेगी? जहां हमें पहुंचाओगे वहीं। तुम्हारा क्या भरोसा? अगर निक्की वहां नहीं मिली तो? तुम्हें हम पर भरोसा करना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए और कोई चारा नहीं। सिगरेट दो। गुड। रुस्तम, रुस्तम। यस कैप्टन। जवाब क्यों नहीं देते, सो रहे हो क्या? नहीं कैप्टन, अब आग खुल गई है। खुली रखो उसे, आज उस दिन की तरह गड़बड़ ना होने पाए। नंबर दो, उस लड़के पर पूरी नजर रखना, एक मिनट के लिए भी इधर उधर मत होना, समझे? यस कैप्टन। चलो। पानी पिलाएगा, बहुत मेहरबानी होगा, गला एकदम सूख गया है, देखो ना।
किधर? किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएंगी। जाओ नी बाबा, जाओ नी, जाओ नी, मैं कल आता हूँ उधर। जाओ ना, मेहरबानी करो, काय को खाली पीली रुस्तम को मरवाएगा मेरे को लगता है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब है, जाओ जाओ, मैं आता हूँ उधर। बोला ना तू मेरे को, जाओ नी, जाओ नी, मेम साहब जाओ नी, मेहरबानी करो। देखा, वही नजर में वही मुस्कुराहट, कितनी अच्छी लड़की। जब भी मिलती शादी का प्लान बनाता हूँ, मगर ये कमबख्त अंदर बैठ के अंदर भेजने का प्लान बनाता है। मेरा तो ख्याल है भाग चलो। भाग चले? हाँ, मगर निक्की, निक्की का पता भी मेरे को मालूम है। बोलो क्या बोलते हो, जल्दी चल बैठा चल। Thank you.
बेटा बहुत मोटा हो गया है, क्यों बेटा तू भी? हमारा बाप देख लिया ना उसके बारे में क्या लिखा है, लफंगों को गिरफ्तार करा दिया और तुम कहते थे कि वो सजा याफ्ता है। मैं मुझसे तो जो पचकौड़े मल ने कहा वो मैंने तुमसे कह दिया, इसमें मेरा क्या कसूर? अब तेरा कसूर नहीं तो क्या मेरा कसूर है? हाँ, मुझे भड़का दिया तुमने। मैंने भड़का दिया? और किसने भड़काया? मैंने भड़काया। हाँ, तुमने भड़काया। अच्छा मैंने भड़का दिया था तो आप भड़क क्यों गए? यहाँ से तो हुजूर ने उसको बाहर निकाला था। ले दो रुपये, ले अपना कोट, चल बाहर। अरे बुलाओ से। मैं? हाँ तू बुला भी। बेटा बरखुरदार यहाँ आओ, इधर आओ, आओ।
बरखुरदार जरा यहाँ आओ। अपन यही ठीक है। काजी हाँ, पूछ इससे यहाँ क्यों आया? काजी साहब, इनसे पूछिए मेरी गाड़ी ठीक हो गई या नहीं। अबे कह देना कि तैयार है। काजी साहब तो कहिए, मैं ले जा रहा हूँ उसे। ओए तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? हाँ हाँ बरखुरदार, बोलो बोलो, अच्छा मौका है। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। निके, क्या अभी तक दो प्याले चाय तैयार नहीं हुई? अभी लाई। काजी, हाँ? अभी कोई बहाना निकालना यहाँ से खिसकने का? मैं निकालूं? हाँ तू। अभी कोई चाल चल। चाल? हाँ। वीला, शतरंज। लाला, हाँ? वो कल की आधी बाजी पूरी नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा? चलो फिर। चलो चलो उठो। कभी हार कभी पार लगा तीरे नजर।